गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का क्लास आर्टिस्ट पर रहेगा। आर्टिकल का चैप्टर प्रारंभ करने के पूर्व सबसे पहले हम आर्टिस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता दें, ताकि आप इसके प्रति सीरियस और सिंसियर बने। आर्टिकल को आप हल्के में मत लें। आर्टिकल पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत भी बनाए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत भी बनाए जाते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आर्टिकल्स पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस पर, कि आर्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखें आर्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है। एक हम सेंटेंस लेते हैं, अगर हम लिखते हैं आ बुक इज इंफॉर्मेटिव, और दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं द बुक इज इंफॉर्मेटिव। इन दोनों वाक्यों में आर्टिकल का केवल अंतर है। आप सोच रहे हो क्या है, एक में आ का प्रयोग है और एक में द। अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ जाएगा और आर्टिकल के प्रति आप गंभीर हो जाएंगे। अब पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर हम और का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होगा थोड़ा और नीचे लिखते हैं, कुछ बातें और बतानी है। किताब ज्ञान वर्धक होती है। क्या हुआ, होती है किताब ज्ञानवर्धक होती है। दूसरे जो सेंटेंस का अर्थ है, किताब ज्ञानवर्धक है। किताब क्या है, ज्ञान वर्धक है। नाउन जो है दोनों जगह सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। यहां भी सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो फर्क क्या है, सिर्फ आर्टिकल का। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन सिंगुलर होते हुए भी पूरे दुनिया की किसी भी किताब की चर्चा कर रहा है, कर रहा है कोई भी किताब। किताब ज्ञानवर्धक होती है, अर्थात कोई भी किताब, यानी दुनिया की किसी भी किताब की चर्चा कर रहा है। जबकि यहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, फर्स्ट वाले में आ का प्रयोग किए हैं। यहां भी सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन है।
ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? किताब ज्ञान वर्तक है। यह वाक्य दुनिया की किसी भी किताब की चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि किसी खास अर्थात पार्टिकुलर बुक की बात कर रहा है। यहां पर वक्ता का सेगमेंट है कि कोई भी किताब, किसी भी किताब से का अध्ययन आप करते हो तो ज्ञान ही मिले, तो एनी बुक की बात कर रहा है। तो एनी के स्थान पर आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर एनी बुक की बात नहीं हो रही, किसी खास किताब की बात हो रही है जिसे वक्ता पढ़ चुका है। क्या लिख कर रहा है? किताब ज्ञान वर्तक, यानी वक्ता उससे परिचित हो चुका है। जबकि वक्ता अर्थात स्पीकर इस किताब से परिचित नहीं है, और यह है सिंपल स्टेटमेंट है। क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है, साधारण कथन है। सिंपल स्टेटमेंट तो यह भी है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। इस सेंटेंस में हम किसी भी किताब की चर्चा कर रहे हैं, इसमें दुनिया की सारी किताबें आ जा रही है, भले ही ये सिमिलर है। यहाँ पर दुनिया की सारी किताबें नहीं आ रही हैं, बल्कि एक कोई खास किताब। अब यहाँ पर वक्ता इस बुक से पूर्व परिचित नहीं है, बल्कि एक सामान्य क्या है जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई भी किताब पढ़ते हो तो उससे ज्ञान हासिल होता है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि यह किताब सेंस क्या है, यह किताब यानी द बुक किताब ज्ञान वर्धक है, यानी जिस किताब को उसने पढ़ा, जिस किताब से वह परिचित हुआ, उस किताब की बात कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि आर्टिकल और इसके स्थान पर एंड का भी प्रयोग हो सकता है या द का। जब हम प्रयोग करते हैं तो पूरे सेंटेंस का सेंस ही बदल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आर्टिस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। अब थोड़ा इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इस बात को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इस नाउन को हम प्लूरल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल बना देते हैं। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे, चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो आगे और यह जैसे हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी और हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर इनफॉर्मेटिव। इनफॉर्मेटिव अब क्या होगा, यहां का अर्थ है कि किताब ज्ञानवर्धक होती है। सिंगुलर होते हुए भी यह किसी भी किताब, दुनिया की किसी भी किताब की चर्चा किया था। अब इसका हम प्लूरल कर दिए तो क्या हो गया, किताबें ज्ञानवर्धक हो गई। क्या हो गया? किताबें ज्ञानवर्धक होती, किताबें ज्ञानवर्धक होती। अरे जो सेंस इस सेंटेंस में है वही सेंस यहां पर भी है, और जैसे हम प्लूरल बनाएंगे तो यह आपकी और हर जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी दो सॉरी आपकी और को हटा करके आप यहां आपकी दो का प्रयोग कर देंगे। अगर आप आपकी दो का प्रयोग करते हो तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल बदल जाएगा। सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो रहा है, बल्कि सेंस बदल रहा है। अर्थात वक्ता जो
चाहता है वह सेंस नहीं निकल रहा है बल्कि कुछ और ही सेंस निकल रहा है। अब हम इस सेंटेंस का प्लूरल बनाते हैं। इसका जब हम प्लूरल बनाए तो प्लूरल काउंटेबल जानते हैं यहां सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन है तो ये क्या बन जाएगा बोलिए, तो ये बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। क्या बन गया? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक, केवल सिंगुलर से प्लूरल हो गया, बाकी चीजें सेम। अब चलते हैं यहां, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? नहीं हटेगा, आर्टिकल द नहीं हटेगा। क्या करेंगे हम? द बुक्स आर इनफॉर्मेटिव। तो हमारा सेंस जो कहते हैं आएगा क्या होगा? किताब ज्ञान वर्धक है। इसका प्लूरल बन जाए यानी किताबें ज्ञान वर्धक है। क्या हो जाएगा? किताबें ज्ञान वर्धक है। और ये क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। और क्या हो गया? किताबें क्या हो गया? किताबें ज्ञान वर्धक हैं। क्या सीखे आप? आर्टिकल अ का प्रयोग जनरल सेंस में होता है, यानी ऐसे नाउन के पूर्व होता है जो कोई खास नाउन नहीं होता है बल्कि नॉट अ पार्टिकुलर नाउन होता है, अर्थात वह इंडिफिनिट नाउन होता है। अब जिस तरह से आप अ का प्रयोग किए तो साउंड के आधार पर अ की जगह एन भी लग सकता है। इस तरह आर्टिकल अ ऑब्लिक एन का प्रयोग कभी भी किसी खास नाउन के पूर्व नहीं होता है, यानी पार्टिकुलर नाउन के पूर्व नहीं होता है, अर्थात डिफिनिट नाउन के पूर्व नहीं होता है। अगर किसी खास पार्टिकुलर अथवा डिफिनिट नाउन के पूर्व होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करता है। क्या करता है? काउंटिंग करता है। तो काउंटिंग करने के लिए कभी कभी ए आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ होता है? डिफिनिट नाउन के पूर्व हो जाता है, अर्थात पार्टिकुलर नाउन के पूर्व हो जाता है। अन्यथा इसका जो जनरल यूज है सिर्फ और सिर्फ नॉट अ पार्टिकुलर नाउन अथवा इनडिफिनिट नाउन। इस तरह ए ऑब्लिक एन को इनडिफिनिट नाउन कहा जाता है। परंतु आर्टिकल द का जो प्रयोग होता है सदैव ऐसे नाउन के पूर्व होता है जिससे वक्ता पूर्व परिचित होता है, यानी वह नाउन वक्ता के लिए खास होता है, अर्थात वह नाउन वक्ता के लिए अ पार्टिकुलर नाउन होता है, अर्थात डिफिनिट नाउन होता है। इसलिए आर्टिकल द को क्या कहा जाता है? डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आधार पर इसका काइंड बनाया गया। तो हमने अभी केवल इम्पोर्टेंस की बात किया कि आर्टिकल का कितना महत्व है। तो इन चार वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि आसान नहीं है, चाहे जहां आप ए एन का प्रयोग करते हैं, चाहे जहां आप
आखिर द का प्रयोग कर दें तो पूरा सेंस बदल जाएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आज हम शुरू करते हैं। आर्टिकल कहते किसे हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए शुरू करें। आर्टिकल्स आर्टिकल को हिंदी में उपपद क्या कहा जाता है, उपपद कहा जाता है। तो हिंदी पर ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है क्योंकि प्रचलन में क्या है, इंग्लिश ही चलती है। आर्टिकल्स देखें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स। क्या होगा, डिटरमिनर्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफायर्स। क्या है क्वालिफायर्स, तो दो टर्म आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक डिटरमिनर्स और दूसरा क्वालिफायर्स। ऐसा क्यों, तो इसे आप आर्टिकल की डिफिनेशन के आधार पर समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स को क्यों डिटरमिनर्स कहा जाता है और क्यों क्वालिफायर्स। हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, इसे आप सिंगुलर में भी ले जा कर के बात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन को लेते हैं। आर्टिकल की डिफिनेशन क्या होती है, डिटरमाइन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि आर्टिकल को डिटरमिनर भी कहा जाता है। प्लूरल में क्या कहा जाता है, डिटरमिनर्स कहा जाता है। जब यह किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है तो नाउन की एरिया को क्या करता है, आर्टिकल डिटरमाइंस। क्या करेगा, डिटरमाइंस दी
एरिया ऑफ नाउन ध्यान देते अभी सीमा को निर्धारित करता है इसकी सीमा को नाउन की। तो जब सीमा को निर्धारित करेगा तो दो बातें आएंगी आपके सामने, या तो सीमा को घटाएगा या बढ़ाएगा। घटाने का मतलब उसे लिमिटेड कर देगा, सीमा को बांध देगा, सीमित कर देगा, या बढ़ाएगा अर्थात व्यापक कर देगा। तो हम चलते हैं नए सिरे से, कैसे कोई आर्टिकल किसी नाउन के सीमा को डिटरमाइन करता है, फिर इसके आधार पर आर्टिकल का जो नामिक्लेचर है, नाम है, जो नामकरण हुआ है, किस तरह कैसे हुआ है। मान लीजिए किसी आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, आर्टिकल प्लस कोई नाउन है, अब किस नाउन के ऊपर प्रयुक्त होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यह आर्टिकल क्या करेगा, बोलिए डिटरमाइन, ये आर्टिकल क्या कर रहा है, डिटरमाइंस द एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ गिवेन नाउन। अब चूंकि नाउन हमने दे दिया है तो गिवेन नाउन लिखना ठीक है, दिए गए नाम के पूर्व, जिस नाम के पूर्व हम प्रयुक्त करना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन किया गया किस नाम के पूर्व, आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। अब हम गिवन शब्द देते हैं दिए गए नाम के पूर्व, मान लीजिए कि निकटतम लेंथ दे दिया, मान लीजिए कि स्पॉटिंग दे दिया, तो उस नाम यानी दिए गए नाम के पूर्व आप कैसे प्रयोग करोगे। तो ये बात जानना है कि दिए गए नाम को जिसके पूर्व आप प्रयुक्त करते हो ये क्या करेगा, एरिया को डिटरमाइन करेगा। तो दो बातें निकल के बाहर आएगी, क्या करेगा, एरिया को डिटरमाइन करेगा। तो पहली बात होगी द एरिया इज क्या, अनलिमिटेड, क्या होगा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब असीमित, क्या होगा, असीमित, असीमित। यानी वह आर्टिकल उस नाउन के एरिया को असीमित कर दिया, असीमित कर दिया अथवा क्या कर दिया, इसको आप व्यापक भी कह सकते हैं। और दूसरी जो कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी आपको, पहली कंडीशन होगी कि एरिया जो है अनलिमिटेड होगी, और दूसरी जो कंडीशन होगी क्या होगा, द एरिया इज लिमिटेड, किसकी एरिया, नाउन की। अब लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब सीमित, क्या हो गया, सीमित। अब चलिए यदि नाउन की एरिया सीमित हो रही हो अर्थात सीमित करना हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग यूज आर्टिकल द, यानी आर्टिकल द का प्रयोग करो। अगर नाउन की एरिया अनलिमिटेड हो रही हो
और सीमित हो रही हो तो किसका उपयोग करेंगे आप? यूज, क्या यूज आर्टिकल ए आर बी एन, वन टाइम में आप किसी एक का उपयोग करें। अब चलिए, जब आर्टिकल किसी नाउन, जो नाउन दिया हो गिवन नाउन के पूर्व प्रयुक्त करना हो तो यह ध्यान देना है कि नाउन की एरिया को हमें कम करना है यानी सीमित करना है या असीमित करना है। तो सेंटेंस से पता चल जाएगा कि यहां पर नाउन की एरिया सीमित हो रही है अथवा असीमित हो रही है। तो अगर असीमित हो रही है यानी अनलिमिटेड हो रही है तो आप ए एन का उपयोग कर दें। तो वह नाउन हमेशा क्या होता है? नॉट अ पार्टिकुलर नाउन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है नाउन क्या होगा? जिस नाउन के पूर्व हम आर्टिकल ए एन का उपयोग कर रहे हैं और एरिया को अनलिमिटेड कर रहे हैं, तो यहां का जो नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां का जो नाउन होगा नॉट अ पार्टिकुलर, नॉट अ पार्टिकुलर नाउन होगा। अर्थात बोलिए, और इंडिफिनिट नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट नाउन होगा। यही कारण है कि आज के एक आवर्त आयन को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। वन टाइम में एक ही यूज करेंगे, ए और एन। अब चलिए, जब हम नाउन की एरिया को लिमिटेड करते हैं तो आर्टिकल का उपयोग करते हैं, ऐसी दिशा में वह नाउन क्या होगा? अ पार्टिकुलर नाउन होता है। क्या होता है? अ पार्टी, अ पार्टिकुलर नाउन होता है। क्या होता है? यह अ पार्टिकुलर नाउन होता है, या इसे क्या कहेंगे? और डिफिनिट नाउन होता है, डिफिनिट नाउन होता है, ध्यान दें। यही कारण है कि आर्टिकल द को क्या कहा गया? आर्टिकल द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक, इस तरह से जो आर्टिकल दो प्रकार के हो जाते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत एक आर्टिकल एन आता है, और दूसरा हो जाता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत द आता है। ओके, अब एरिया को कैसे लिमिट करता है या अनलिमिट करता है, इसको समझें। परंतु उसके पूर्व हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने नीचे बताया, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अगर हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं तो क्या होगा? टू टाइप्स, क्या होगा? टू टाइप्स आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले
जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है, इन डिफिनिट आर के ध्यान दें, संख्या में दो होते हैं, इनडिफिनिट आर के संख्या में दो, ए और एन, परंतु वन टाइम है तो एक ही यूज होगा, अतः हम इसे आप लिख करके लिखेंगे। अरे इनडिफिनिट आर के अंतर्गत ए अथवा एन का प्रयोग होता है। सेकेंड जो पॉइंट है, डिफिनिट आर्टिकल का है, ध्यान दे डिफिनिट आर्टिकल का है, और इसके अंतर्गत हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, अभी हमने चर्चा किया था कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, या जिस भी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा तो उस नाउन की एरिया को क्या करेगा, अनलिमिटेड कर देगा। क्या कर देगा, यानी जब हम ए एन का प्रयोग करते हैं तो द एरिया ऑफ नाउन, ठीक है, द एरिया ऑफ नाउन इज अनलिमिटेड होता है। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, दोबारा इसको लिख दिया, इसका मतलब वह नाउन क्या होता है, इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट नाउन के पूर्व प्रयुक्त होने के कारण नाउन क्या होगा, बोलिए, इंडिफिनिट नाउन, कोई खास नहीं, इंडिफिनिट नाउन या नॉट अ पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा, जब भी एरिया अनलिमिटेड होगी तो वह नाउन इंडिफिनिट नाउन अथवा नॉट अ पार्टिकुलर नाउन होगा, नॉट अ पार्टिकुलर नाउन होगा। तो जब नॉट अ पार्टिकुलर नाउन हो रहा है, इसका मतलब इसी शब्द के आधार पर ए एन को इंडिफिनिट कहा गया। अब चलते हैं, यहां की बात करते हैं, तो ये जिस नाउन के गुण प्रयुक्त होगा क्या होगा, दी एरिया ऑफ अ नाउन इज लिमिटेड, क्या होगा, लिमिटेड, यानी नाउन के एरिया लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वह नाउन खास होता है, यानी क्या होता है, डिफिनिट नाउन होता है, डिफिनिट नाउन होता है, अर्थात अपार्टिकुलर नाउन होता है, क्या होता है, खास नाम, किसके लिए, वक्ता के लिए, अपार्टिकुलर नाम होता है, ध्यान दें, अपार्टिकुलर नाम होता है, पार्टिकुलर नाम का मतलब होता है खास नाम, ना तो पार्टिकुलर नाम का मतलब खास नाम हो, तो खास नाम हो इसका मतलब ये अनोन होगा, क्या होगा, अनोन नाम होगा, वक्ता से उत्पादित नहीं होगा, और यहां खास है इसका मतलब नोन नाम होगा, इसके लिए वक्ता के लिए जो स्टेटमेंट देगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा।
जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ध्यान देना है कि एरिया उसकी लिमिट करना है अथवा अल। जैसा कि हम इम्पोर्टेंस में बताए थे कि जल्दीबाजी में आप ए और एन के स्थान पर आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं द के स्थान पर ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल बदल जाता है। यही है आर्टिकल का इंपॉर्टेंस। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं फिर आपको समझाते हैं। आप देखिए, हम कहना चाहते हैं कि दिस इज अ वन, यह एक लड़का है। बताइए किस लड़के की बात कर रहे हैं? अपने घर की नहीं, मोहल्ले की नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी? एनी बॉय की। ध्यान दीजिएगा, एनी बॉय। तो एनी बॉय का है, बोलिए, नॉट अ पार्टनर नाउन है, अर्थात वक्ता इससे सुपरिचित या पूर्व परिचित नहीं है। तो जब नॉट अ पार्टनर नाउन है, यही कारण है कि एनी के स्थान पर हम आर्टिकल और का प्रयोग करते हैं। आगे चर्चा होगी। ए आर्टिकल एन का प्रयोग सदैव हम एनी अथवा वन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। इसका भी चैप्टर बहुत अपना इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। नाउन के चैप्टर में हम अब तक 45 वीडियोज डाल चुके हैं, कुछ और वीडियोस आएंगी। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल को समझने के लिए आप नाउन का चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप अब तक नाउन की वीडियोस ना देखे हों तो आप उन्हें देखना शुरू करें, अन्यथा आर्टिकल का चैप्टर आपको परेशान करेगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं आगे। आप यहाँ एनी बॉय, यह एक लड़का है, कोई लड़का, तो हम एनी बॉय का है, नॉट अ पार्टिकुलर नाउन है, अतः एनी के स्थान को हमने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल अ का। अगर हम सेम सेंटेंस में लिख दें कि दिस इज, ध्यान दें, देखने में तो आप इसे बॉय पढ़ेंगे, मतलब द बॉय पढ़ेंगे, लेकिन ये द बॉय नहीं, वास्तव में दी बॉय होगा। इसकी भी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। क्या प्रोनाउंसिएशन ऑब्लिक साउंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का साउंड क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, इस पर स्ट्रेस डाल रहा है, वाई पर स्ट्रेस डालने के कारण इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, डी हो गया। अब चले, हमने कहा किया एक स्थान पर द का प्रयोग कर दिया। आप सोच रहे हो कि कार्टी में है क्या ए एन और द का प्रयोग, ही तो है, गलती से हमने क्या कर दिया, अ के स्थान पर द का प्रयोग। अब यहाँ द का साउंड भी बदल गया, दी हो गया, कारण कि यह नाउन वाय पर स्ट्रेस डालने लगा। और यहाँ पर नाउन आपका क्या था, बोलिए, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। और यहाँ पर भी क्या आएगा,
के पूर्व हम एक एन या का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब हमने अ का प्रयोग किया क्यों किया? क्योंकि वह एनी बार यह वाक्य कहता है एनी बार की बात कर रहा है, नॉट पार्टनर नाउन की बात कर रहा है, तो एनी के साथ और लगाया, इट मीन्स इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया। अरे ना द पार्टनर नाउन का मतलब क्या हो गया? बोलिए, इसी को तो इनडिफिनिट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट नाउन यानी किसी खास नाम की चर्चा वक्ता नहीं कर रहा है, एनी बॉय की चर्चा कर रहा है। तो इंडिफिनिट नाउन होने के कारण हमारा आर्टिकल क्या आया? आर्टिकल क्या आया? इंडिफिनिट आया। अब चलते हैं, यहां बात करते हैं। तो यहां है, यहां का अर्थ हो गया कि यह एक लड़का है। क्या है? यह एक लड़का है। वक्ता उस लड़के से पूर्व परिचित है, पूर्व परिचित है। तो यह जो सिंगल काउंट टेबल का नाम हमारा हो रहा है, बोलिए, और पार्टिकुलर नाउन क्या है? पार्टिकुलर नाउन, इट मीन्स और करके इसे आप क्या कर सकते हैं? डिफिनिट नाउन। तो डिफिनिट नाउन होने के कारण हम किसका प्रयोग किए? डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किए। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है आर्टिकल का। आप आज की वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल के बारे में जाने, आर्टिकल की डिफिनेशन के बारे में जाने और उसके काइंड के बारे में। अब एक टर्म ऊपर मैंने दिया था, क्वालिफायर्स। क्या दिया था? क्वालिफायर्स। ध्यान दें, हमने लिखा था आर्टिकल्स, उसके बाद लिखा है क्या? डिटरमिनेंट्स, उसके बाद क्वालिफायर्स। अब इनकी चर्चा हम दोबारा कर लेते हैं। आर्टिकल्स की डिफिनेशन हमने दे दिया। क्या किया? आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पूर्व किसलिए प्रयुक्त होता है? उस नाउन की एरिया को लिमिट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए अथवा अनलिमिट करने के लिए। तो निर्धारित शब्द में दो बातें आती हैं, या तो एरिया सीमित होगी या तो असीमित। एरिया अगर सीमित होती है तो वह आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल होगा, अर्थात ए एन का प्रयोग होगा। ऐसी दशा में नाउन भी क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट नाउन हो जाएगा। और अगर एरिया लिमिटेड होती है तो वह आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल द होगा। ऐसी दशा में वह नाउन भी क्या हो जाएगा? डिफिनिट नाउन। अब सवाल होता है इसी तरह क्वालिफायर्स, चूंकि आर्टिकल क्योंकि आर्टिकल किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है और उसकी एरिया को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, अर्थात एरिया को या तो लिमिटेड कर देता है या तो अनलिमिटेड करता है। इस तरह ये क्या कर रहा है? नाउन को डिफाइन कर रहा है अथवा एक्सप्लेन कर रहा है। ध्यान दें, डिफाइन कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। अतः अगर दूसरी तरह से सोचें तो निर्धारित करना, किसी नाउन को सीमा में बांध देना, सीमा में निर्धारित कर देना या उसे खुला छूट दे देना, यानी उसकी सीमा को खोल देना, अर्थात एरिया को व्यापक कर देना, ये किसका गुण होता है? एडजेक्टिव। यानी एक्सप्लेन करना
या डिफाइन करना किसका रूल होता है, एडजेक्टिव का। अतः इसे इन्हें यानी आप इसको अगर प्लूरल में लेते हैं तो क्वालिफायर्स और सिंगुलर में लेते हैं तो क्वालिफायर कहते हैं। यही कारण है कि आर्टिकल्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि आर्टिकल का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, ध्यान दीजिएगा खास बात है, आर्टिकल्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आर्टिकल्स होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं आर्टिकल्स, क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स की ही भूमिका निभाते हैं। तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है एडजेक्टिव्स होते हैं ये, अर्थात सिंगल में अगर सिंगुलर में बात करते हैं तो आर्टिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यही कारण है कि इनका जो प्रयोग होता है सदैव नाउन के लिए होता है, नाउन के पूर्व होता है। अब यह स्थिति आ सकती है कि नाउन के अलावा इसका स्थान एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आ सकता है, परंतु इनका जो प्रयोग होगा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के लिए होगा। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं कि दिस इज अ बॉय, तो चूंकि यह इस कंप्लीमेंट पार्ट में केवल बॉय है तो बॉय के पहले आ गया, लेकिन अगर हम बोले कि दिस इज अ गुड बॉय तो पहले गुड आएगा, गुड क्या होगा नाउन का क्वालिफायर अर्थात एडजेक्टिव, और उसके पहले ये क्या आ जाएगा आर्टिकल आ जाएगा। ध्यान दे किसी भी नाउन के पूर्व उसे क्वालिफाई करने के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज अ गुड बॉय हो जाएगा। अब अगर हम एडवर्ब उसमें डालना चाहें तो दिस इज अ वेरी गुड बॉय हो जाएगा। तो स्थान तो इसका खिसकता हुआ चला आ रहा है, दो मिनट और समझेंगे, खिसकता हुआ चला आ रहा है, क्या हो रहा है अभी हम इसमें डाल दिए गए दिस इज अ गुड डाल दिए, ध्यान दीजिएगा ये तो नाउन है, यहाँ पर ये नाउन था तो नाउन के पूर्व का प्रयोग हुआ और नाउन के लिए हुआ। सबसे पहली बात के नाउन के लिए होता है और नाउन के पूर्व होता है। अब यहाँ पर भी का प्रयोग नाउन बॉय के लिए हो रहा है, एक इसकी पोजीशन खिसक जा रही है, तो ये कहाँ आ गया एडजेक्टिव के पूर्व। अब अगर एक संदेश हम और आपको देते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड, क्या कहते हैं वेरी गुड बॉय, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग होगा बॉय का है नाउन है, नाउन के लिए हो रहा है, परंतु स्थान इसका था स्थान आ गया एडवर्ब के पूर्व, एडवर्ब के पूर्व। तो ये होता है आर्टिकल का पोजीशन। तो घबराने की बात कोई नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ, आगे इस पर भी वीडियो है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी आर्टिकल की प्रोनाउंसिएशन पब्लिक साउंड पर, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल पर, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी रूल्स पर और कैसे इसका प्रयोग होता है, पूरा आर्टिकल का चैप्टर विधिवत स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप वीडियो पूरा देखें, तो आर्टिकल की जो समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और किसी प्रकार का अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। थैंक यू।